आज तो भाई बम्पर लॉस हो गया लगभग, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7100 रुपीज का लॉस हो गया, 7100 रुपये का लॉस हो गया। तो मैंने इसमें कितने पैसे लगाए थे, तो चलिए डिटेल में जाकर ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कितने रुपए लगाए थे, 79000 लगाए थे और मेरे पास 71000 बचे हैं लगभग। यहाँ पर जो है लगभग 7800 का लॉस हुआ था, वो क्योंकि 600 रुपये मैंने पहले यहाँ पर एक प्रॉफिट किया था, उसकी वजह से बस 7100 रुपये यहाँ पर जो है प्रॉफिट में। एक बार रिफ्रेश करके भी इसको दिखा देना चाहता हूँ ये पेज, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक वगैरह आता है ना तो वो दिखा देते हैं, बट गुरु में फेक नहीं आता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं गुरु का मेन यहाँ पर ओपन हुआ है वेबसाइट वगैरह, तो इसमें मेरा जो है लॉस दिखा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ को आपको ध्यान रखकर ये लॉस नहीं करना, क्या चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो ये लॉस आप नहीं करेंगे। और मैं इतना मतलब थोड़ा स्माइल क्यों कर रहा हूँ ये इतना लॉस करने के बाद, ये सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के ये चालू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जो लॉस हुआ है मेरा, मैंने कितने क्वांटिटी यहाँ पर परचेज किया था, वो सब चीज़ यहाँ पर डिटेल में, चलिए आपको डिटेल में जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लगभग 255 क्वांटिटी यहाँ पर परचेज किया था, एवरेज प्राइस 309 रुपये पर, और ये मेरा प्रॉफिट में गया था लगभग 309 रुपये से ये लगभग 330-335 तक गया था, बट मुझे लग रहा था 350 के ऊपर जाएगा तभी मैं सेल करूँगा। मेरा अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था 2-3 हज़ार का, तो मैं सोचा 6-7 हज़ार प्रॉफिट हो जाए तब निकालता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पैसे मैंने लगाए ही थे वैसे भी। बट क्या हुआ, मार्केट वहाँ से रिवर्सल आ गया, मार्केट जो है ऊपर जाने लगा, क्योंकि मैंने पुट लिया था तो इस वजह से मार्केट जो है रिवर्सल आया सपोर्ट पर अपनी, फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो है लॉस होना स्टार्ट हो गया, फिर मैंने सेल कर दिया लगभग 279 रुपीज़ पर मैंने सेल कर दिया, जिसमें मेरा लगभग 7800 रुपये का यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं लॉस हुआ है अभी या टोटल, बट मैंने 600 का एक मॉर्निंग में प्रॉफिट किया था, उस वजह से बस 7100 रुपये ही बचे, मतलब 600 का थोड़ा फ़ायदा हुआ था, इस वजह से वो 600 मेरे बचे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है क्वांटिटी लिया था, इस वजह से इतने कम पॉइंट में ही अच्छा खासा लॉस हो गया। और ये जो प्रॉफिट वाला है उसका डिटेल में चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर डिटेल में गया, ये मैंने कितना लिया था, बस 45 क्वांटिटी लिया था, एवरेज 416 रुपये पर, और ये कितना गया, 431 रुपये पर गया था, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया था, और ये बस मैंने 18700 का लिया था, 600 प्रॉफिट होने के बाद ये 19400 का हो गया लगभग। आप यहाँ पर देख रहे हैं लगभग 650 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस वजह से क्या हुआ टोटल जो है मेरा 7100 रुपये का भी लॉस दिखा रहा है। तो अब आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान वगैरह रखना पड़ेगा ताकि आपका जो है इतना बड़ा लॉस ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे आज का मार्केट साइडवेज था, मतलब साइडवेज का मतलब एक ही रेंज में था, मतलब 100, 200, 300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, ये नहीं कोई बड़ा मूव नहीं आया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहे तो आपको जो है छोटे छोटे स्कैल्पिंग करने चाहिए। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है 5 से 10 पॉइंट आपको बस कैप्चर करने चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आज का पूरा मार्केट ऐसे 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 ऐसे, कोई ज़्यादा कभी कभार बस थोड़े बहुत पॉइंट मिल गए, अदरवाइज कोई अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर नहीं मिला है। आज ये जो मैंने लिया वहीं से मैंने चार्ट ओपन किया है, तो इसी में मेरा जो है लॉस हुआ। इसमें क्या करना है, जैसे ये छोटे छोटे हैं तो इसमें क्या करना है आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है, जैसे मैंने 200-250 क्वांटिटी लिया था उसमें, बट मेरा क्या था कि ज़्यादा मुझे लगा ज़्यादा मोमेंट आएगा, इस वजह से मेरा लॉस हो गया। बट आप अगर आप 5 से 10 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो आपका तभी भी 2 से 3 हज़ार प्रॉफिट हो जाएगा। बट लालच नहीं करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, आप एक बार पैक करके दिखाता हूँ, मैं लालच के चक्कर में ही यहाँ पर जो है इतना बड़ा जो है लॉस मैंने लालच के चक्कर में किया टोटली, क्योंकि मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होने के बाद भी यहाँ पर जो है लॉस कर दिया था। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आप 2-3 ट्रेड लीजिए, ऐसा करिए कि छोटे छोटे 2-3 ट्रेड ले लीजिए, लगभग 2000 प्रॉफिट का, 2-2 हज़ार का अगर 3 ट्रेड लेंगे तभी आपका 6000 प्रॉफिट हो जाएगा आसानी से, दिन में आप बना सकते हैं कि कैसी भी मार्केट रहे अगर आप अच्छे लॉट लेते हैं तो। लेकिन ये गलती नहीं करना कि एक ही लॉट ले हम, वो भी ज़्यादा लें और ज़्यादा मोमेंट कैप्चर करें, ये साइडवेज मार्केट में पॉसिबल है ही नहीं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ मतलब मैं आपको एक अच्छा चीज़ बता दिया हूँ कि ये गलती आप मत करिएगा, मैंने जो आज गलती की है और जिस वजह से मैंने इतना जो है लॉस किया है। और अच्छी बात तो ये है बस मैंने मतलब यहीं पे एग्जिट कर दिया, इसको होल्ड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं होल्ड करता तो मेरा पूरा कैपिटल आप यहाँ पर देख रहे हैं अच्छा खासा, कितने लोगों की पूरे महीने की कमाई इतनी होती है, पूरे महीने के अगर 2-2, 3-3 महीने में इतने रुपए कमाते हैं तो उतना मैं आज ही लॉस कर देता, बट मैंने क्या किया एग्जिट कर दिया। हाँ, अच्छी बात यह है कि 7000 मेरा जो है वो टोटली लॉस हुआ है। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, कभी भी आप होल्ड मत करिए, BTST ट्रेड आप मारिए हिम्मत, अगर आप अच्छे खासे हैं तब मारिए, बट मैं नहीं करता हूँ, जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मैं बता रहा हूँ। और बहुत गर्मी है, आप फ़ैन वगैरह ऑफ करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बाय बाय, ये गलती आप मत करिएगा नहीं तो आपका भी इतना ही लॉस हो सकता है।